तो आज हम लोग जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसमें कुछ पुरानी चीज़ें आपको रिवाइज करनी होंगी, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई डेफिनेशंस तुम लोग यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं तीन शब्दों से जिसके बारे में सभी इंसानों ने जो 9th और 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स होती है उसमें पढ़ा ही होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? या तो आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी बनाते हो, कुछ ना कुछ तो तुम दोनों में से काम करते ही रहते हो, राइट? तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्ड जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यहाँ पे कैसा रहता है, आप लोगों का इन्वॉल्व रहता है। सो देयर फोर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो तुम्हारे कुछ बेसिक वर्ड्स हैं वो बेसिक वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला बेसिक वर्ड जो तुम लोगों के आंखों के सामने आता है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या ये तुम लोगों ने छोटी क्लास में नहीं पढ़ा है फिजिक्स में? डेफिनेटली पढ़ा है। मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं घुसूंगी कि अच्छा देखो उस ज़माने में आपने ओम्स लॉ पढ़ा था तो रेजिस्टेंस की फिजिकल मीनिंग ये है वो है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, ठीक है, कि आपने रेजिस्टेंस को बचपने में क्या पढ़ा, राइट? अभी मेरा जो काम है वो यहाँ से आगे से शुरू होता है, बट हम लोग फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर रहे हैं। रेजिस्टेंस सिंपल आप ये कह सकते हो कि जब आप ओम्स लॉ मतलब पढ़ते हो तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट किया जाता है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है? किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं ये वाली स्टेटमेंट कह रही हूँ। और जैसे कि तुम्हें पता है कि मैथमेटिक्स में हम कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी के साथ काम नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी इक्वल टू आएगा। सो देयर फोर वी इक्वल्स टू कितना हो जाता है आप लोगों का आई। और यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है मुझे? यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जो कांस्टेंट आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो दिस कांस्टेंट इज नोन एज आप लोगों का क्या? रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या कहलाता है? आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। और तुमने ये भी पढ़ा है तुम्हें कि इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दिस रेजिस्टेंस की यूनिट इज नन अदर देन आप लोगों का पसंदीदा ओहम, ठीक है, ओहम होता है। तो ये हो गया फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का मीनिंग काफ़ी हद तक। अदरवाइज तुम लोगों ने रेजिस्टेंस का ये भाषा भी सुनी होगी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये तुम लोगों ने ऑलरेडी बचपन में सीखा, ये हम लोगों की आज की क्लास का पॉइंट नंबर 1 था। अब उसके अलावा आपके पास ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल की कंडक्टिविटी मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि मेरे पास जो सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है। तो बेसिकली एक दूसरा वर्ड होता है कंडक्टेंस सी। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या है? कंडक्टेंस का सीधी भाषा में सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल दिया है तो वो मटेरियल कितना करंट कंडक्ट कर सकता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट करंट, वो अपने अंदर से, ठीक है, कितना करंट कंडक्ट कर पा रहा है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, राइट? उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा मतलब करंट को आगे बढ़ने से रोकने वाली जो चीज़ है अगर वो बहुत कमज़ोर होगी तो करंट ज़्यादा आसानी से आगे जा पाएगा, और अगर करंट को आगे जाने से रोकने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा या बहुत ताकतवर हैं तो करंट आगे नहीं जा पाएगा। इट मीन्स दैट मैं यहाँ से ये पॉइंट एक रेज कर सकती हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है और जो कंडक्टेंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर किसी मटेरियल में
उसका जो रेजिस्टेंस उस मटेरियल का बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस मटेरियल की जो कंडक्टेंस होती है वो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम, या फिर कंडक्टिविटी कैसी हो जाती है, कम, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी कैसी हो जाती है, हाई। ठीक है, ओके। अब ऑब्वियस है, इतना समझ में आ रहा है कि क्योंकि हमारा कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो ऐसे में जो कंडक्टेंस की SI यूनिट है वो SI यूनिट भी रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी, उल्टी। यानी कि अगर इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मैं ये कह रही हूँ कि अगर रेजिस्टेंस की यूनिट, मैं इमेजिन कह रही हूँ, इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैंने इमेजिन वर्ड यहाँ डाल दिया। मैंने क्या कहा कि अगर मान कर चलते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट होती सेंटीमीटर, तो क्योंकि कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल है तो उसकी यूनिट हो जाती सेंटीमीटर इनवर्स। अगर रेजिस्टेंस की यूनिट मान लेते हैं होती मीटर स्क्वायर, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाती मीटर की पावर माइनस टू। अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट होती फीट क्यूब, तो कंडक्टेंस की हो जाती फीट की पावर माइनस थ्री, मतलब जो भी है उसका उल्टा। तो जैसे कि रेजिस्टेंस की जो सही यूनिट होती है वो क्या होती है, ओहम, तो जो कंडक्टेंस है इसकी यूनिट हो जाती है ओहम इनवर्स। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इसको दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हो, मोह, MHO। देखो मैंने सिंपल इसको क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, है ना, तो क्या बन गया, ओहम का मोह बन गया। तो आप चाहो तो उसको ओहम इनवर्स भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे मोह भी कह सकते हो। तो ये वो दो बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी छोटे स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। छोटे स्टैंडर्ड का मतलब जब आप 9th-10th में फिजिक्स पढ़ते थे तब। इवन फिजिक्स में आपने एक टर्म और पढ़ा है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने ये वाला टर्म भी फिजिक्स में पढ़ के रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है आप लोगों का रो। ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रो। अब व्हाट, बेसिकली व्हाट इज रो, तो हमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स किए, वाया एक्सपेरिमेंट्स हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, हमने ये ऑब्जर्वेशन की, वी ऑब्जर्वड डैट, ठीक है, वी ऑब्जर्व डैट कि आप लोगों का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है डायरेक्टली कि उस पर्टिकुलर मटेरियल की लेंथ कितनी है। मतलब अगर 1 मीटर कॉपर वायर है तो वो कितना रेजिस्टेंस शो करेगी, और अगर 2 मीटर कॉपर वायर है सेम तो वो कितना रेजिस्टेंस शो करेगी। तो रेजिस्टेंस का किसी भी मटेरियल के और उस मटेरियल की लेंथ का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है डायरेक्ट, और साथ ही साथ में उसी वक्त रेजिस्टेंस का और जो उस कॉपर वायर का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स। ये सब आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, एम जस्ट इसको मैं रिवाइज करा के दे रही हूँ स्टार्टिंग के 3 कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि मुझे इन्हें आगे अभी की क्लास में क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, ओके। तो ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ, अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि इन दोनों ऊपर की इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, तो आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके, एल अपॉन ए के, यानी कि एल न्यूमरेटर में और ए जैसे कि डिनोमिनेटर में। तो अब जैसे कि अगेन तुम जानते हो कि मैथ्स में हम लोग कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ तो काम कर नहीं सकते, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, इक्वल टू आएगा। ठीक है, वहाँ पे मुझे ऑब्वियस है कि कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके आपको देना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करके दे रहे हैं, जैसे कि ऊपर ओहम्स लॉ में हमने जिस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था डैट वॉज कैपिटल आर, यानी कि रेजिस्टेंस, तो सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है। तो जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज रो, और इस रो को ही हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये चीज़ आपने 10th क्लास में पढ़ी है या फिर 9th क्लास में पढ़ी है कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन कैपिटल ए, या आपने ऑलरेडी इससे लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। और ये जो रो होता है, दिस रो इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, तो एक हो गया रेजिस्टेंस और दूसरा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या है, अंतर है। इसको मैं डिफाइन वगैरह नहीं कर रही हूँ, देख लूँगी अगर तुम्हारी बुक में इसका डिफाइन होगा तो मैं एक बार लगे तो चलो बता दूंगी, एक बार देख लेना बुक में है कि नहीं, अदरवाइज ये चीज़ आपने छोटी सीखी जरूर थी 9वीं में। डिफाइन देख लेते हैं एक बार है कि नहीं है, तो चैप्टर नंबर है आई थिंक 5वां चैप्टर है, वाला ही चल रहा है अभी, आयोनिक थर्मो, स्टिल थर्मो यही है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली शुरू कर रही हूँ, ये कर लेते हैं है कि है। तो देखो जैसा कि मैंने अभी बताया अकॉर्डिंग टू अगेन ठीक है, वो बता रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, मतलब यहाँ से ले ली और यहाँ तक आप लोगों को रेजिस्टेंस की क्या दे रहा है डेफिनेटली। तो जैसा कि अभी मैंने बताया ओमेगा भी कह सकते हो उसको जो भी हो, और उसके तो मैं क्या बताया कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसके रेजिस्टेंस, फर्क पाने जो सिंबल है वो कैपिटल जी दिया है ना कि कैपिटल सी। फिर मैंने जैसा तुम्हें बताया कि आप इसकी यूनिट को ओहम इनवर्स लिख सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है, तो आप ओहम इनवर्स लिख सकते हो, एज वेल एज वोल्ट इंटू एम्पियर इनवर्स होती है, तो जो कंडक्टर की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी उसका उल्टा, मतलब वोल्ट की पावर माइनस वन और जो एम्पियर पहले से माइनस वन था ये, तो ये डिफरेंट यूनिट्स है। अच्छा इसको हम लोग एस वाली यूनिट से भी इंडिकेट करते हैं, दैट इज साइमन, इसको हम लोग क्या कहते हैं साइमन्स कहते हैं ठीक है, साइमन्स में भी इंडिकेट करते हो, तो ये पूरी कहानी है। अच्छा उसके बाद इसने तुम्हें आर इक्वल टू रो एल बाय ए वगैरह वगैरह के बारे में बताया, तो जहां बताया कि जो रो इज नोन एज व्हाट आप लोगों का रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन अब तो यहां से लेके देखो ये यहां तक उसका बेसिकली क्या आप लोगों का डिफाइन है। रेजिस्टिविटी की यूनिट वो नीचे मैं निकलवा दूंगी, लेकिन उसने कैन यू रिकॉल डाला है वो करते हैं इसमें हम लोग। तो क्या है देखो आप लोगों का इमेजिन करो इफ मैं उस लेंथ को अगर हम लोग 1 मीटर सेट कर दें, मान लीजिए ठीक है अगर हम लोग इसको 1 मीटर लंबा सेट करें, तो साथ ही साथ में ऑब्वियसली इस वायर का कुछ ना कुछ एरिया होगा, आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हो, अगर आप सेंटीमीटर की होगी और आपका जो एरिया है ये ठीक है, चाहे मीटर में काम करो या चाहे सेंटीमीटर में काम करो बात वही है ओके। तो अगर मैं लेंथ को 1 मीटर सेट करें, एरिया को 1 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर सेट कर दूं, तो ऐसे में आप लोगों का जो आर है वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और एरिया भी आपका बता जाएगा 1। ऐसे में डोंट यू थिंक आपका आर और रो ये दोनों एक दूसरे पे, आर मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस और जहां पर रेजिस्टिविटी। सो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि रेजिस्टिविटी स्पेलिंग ठीक कर लेना, तो तुम क्या बोल, एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक ऐसी रेजिस्टेंस जब हम लोग कंडक्टर की लेंथ क्या सेट कर दे 1 यूनिट सेट कर दे और उसका रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर वो भी हम 1 सेट कर दे, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी उस पर्टिकुलर कंडक्टर की वो वाली चीज आप लोगों की क्या कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर तुम ये कहो क्या कहलाएगी आप लोगों की रेजिस्टिविटी राइट। तो मतलब बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द कंडक्टर इज 1 यूनिट इन लेंथ एज क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना रख लिया जाए 1। अगर रही बात है इनको कैलकुलेट करने की, तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी चीज की ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें पता है कि आर इक्वल टू आपका, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि रो क्या है, मैं रो आर इनटू ए अपॉन में एल, क्या तुम्हें यूनिट आर उसकी यूनिट होती है ओहम, एरिया के यूनिट सेंटीमीटर, नीचे का 1 सेंटीमीटर ऊपर का 1 सेंटीमीटर आपके रो की यूनिट कितनी आई ओहम इनटू सेंटीमीटर, अगर तुमने एरिया और लेंथ को मीटर में रखा होता तो वो मीटर में आई होती है, तुम्हें याद होगा। तो ये हम लोगों ने अपनी 10वीं कक्षा की चीजों को अभी तक रिवाइज किया। चौथा पार्ट होता है जिसको हम लोगों ने इसे पहले कभी नहीं सीखा है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये अभी अभी तुम्हें मैंने ऊपर क्या बताया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या बताया कंडक्टेंस, फिर अभी तुम्हें मैंने एक और तीसरा पार्ट क्या सिखाया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जब उसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल बोलो क्या होता है रो, अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर लो ठीक है, अगर मैं इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऊपर हमने निकाला है ना टेक या फिर डू जो भी तुम्हें लिखा है रेसिप्रोकल कर लो, रो का रेसिप्रोकल कर लो स्पेसिफिक वॉट स्पेसिफिक क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर रो का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कर लेते हो यानी कि अगर आप 1/ρ निकाले हो, तो बस उसी 1/ρ को हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस को करोगे तो कंडक्टेंस मिलेगा ठीक है, और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करोगे तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिलेगा ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट सिंबल लाइक अ के, के के जैसा इसका एक सिंबल हम लोग यहाँ यूज करते हैं और इस सिंबल को हम लोग कहते हैं कप्पा, कप्पा मैं देखो इसको कप्पा कहती हूँ, कई लोग कप्पा वगैरह वगैरह अलग से प्रोनाउंस करते हैं, जिसको हम लोग रोह कैसी हम लोग इसको क्या कहते हैं कप्पा, सो कप्पा इज ऑन रोह। तो इफ समबडी आस्क यू कंडक्टेंस, तो आप उस इंसान को कैसे समझाओगे कि कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक, क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ ठीक है। अब तुम खुद अपनी भेजे का इस्तेमाल करो और सोचो, अगर बता भाई इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या, तो तुम मुझको ये बोलोगे कि
कि जो यूनिट रो की का उल्टा कर दो तो वो किसकी यूनिट बन जाएगी, कप्पा की यूनिट बन जाएगी। तो अभी अभी तुमको मैंने ऊपर रो के ओहम इंटू सेंटीमीटर, तो अगर मुझे कोई के की यूनिट पूछेगा यानी कि कप्पा की यूनिट पूछेगा तो मुझे क्या कर देना है, उल्टा ओहम का उल्टा कर सकता हो तो मैं उसका ओहम इनवर्स भी लिख सकती हूँ। ओहम इनवर्स और सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। फिर अगर ओहम इनवर्स से लिखना अच्छा नहीं लगता तो तुम मोह लिख सकते हो, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। अगर तुम्हें मोह लिखना भी अच्छा नहीं लगता है तो तुम साइन बन जाएगा। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट लोगों का कप्पा, ठीक है। बट अभी हमने जो क्लास की स्टार्टिंग पर हमने क्लास की स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस समझा, फिर कप्पा में आए, इन चारों कंसेप्ट को अगर मैं क्लब करूं तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला मिलना चाहिए जिसमें चारों चीजें आती हूँ। तो देखो हम इसे कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है फोकस। पहला फॉर्मूला हमारी लाइफ में क्या आता है कि जो कैपिटल जी, अब तुम्हारी क्योंकि टेक्स्ट बुक में स्टेट वालों की टेक्स्ट बुक में कैपिटल जी सिंबल यूज होता है इसलिए मैं ले रही हूँ, अदरवाइज आप कैपिटल सी ले सकते हो, सिंबल आप कुछ भी लो बट वहां आप बस मेंशन करना पड़ता है कि वेयर इस सिंबल का मतलब बराबर ये लिए। ओके, तो आर इक्वल टू क्या होता है, 1/g होता है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हमारी लाइफ का। फॉर्मूला नंबर टू, आर इक्वल्स टू रो, इसको मैं दूसरी भाषा में लिख सकती हूँ कि रो की वैल्यू क्या होती है अपॉन में कितना एल, ठीक है। तीसरी चीज जो होनी चाहिए वो ये कि आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है, बोलो आपस में इनवर्स का रिलेशन दो का। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर थ्री थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, कोई मुझसे बोले कि काम करो आप रो की वैल्यू पुट करो, तो मैं वैल्यू उठाऊंगी और मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ, आर ए अपॉन में क्या आ जाएगा एल इक्वल 1/कप्पा। अब एक काम करो पूरी रेसिप्रोकल ले लो, तो अगर तुमने पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लिया तो देखो जो आर और ए न्यूमरेटर है वो कहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, और ये जो बेचारा कप्पा है ये कहाँ चला, अपॉन में रखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में, तो हमने छोड़ दिया। यहाँ तक बात पेट में पची कि नहीं पची, ओके। अब ध्यान से सुना, न्यूमरेटर में एल लिखा है, इस एल के आगे अगर मैं तो क्या लगाने से पड़ता है, नहीं आपने पढ़ा होगा ना 10th स्टैंडर्ड में, अभी लेबल के आगे कोई नंबर नहीं होता तो वहां पे बचपन में ही पढ़ा था यार, है ना, आपने पढ़ा है कि अगर किसी के कोई वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, पढ़े थे। तो मैंने यहाँ पे बस टाइम पास के लिए वन लगा दिया। वन लगाने से मुझे फायदा क्या हुआ, पहली बात तो एक फॉर्मूला बन गया, कल को तुम्हें लेंथ दी हो, कल को तुम्हें ए हो और कप्पा ढूंढना हो, बेसिकली ये फॉर्मूला बन चुका है बीच का और आपके कप्पा के बीच का, इन चारों लोगों के बीच का ये फॉर्मूला गिवन होगी, चौथी चीज आपको फाइंड करने को कहेंगे। मुझे और मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करना है, इससे कुछ नया बनाना है, तो देखो हम और किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है, वेट कि आप लोगों के पास जो 1/रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये 1/रेजिस्टेंस बताओ, ये 1/रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या, ठीक है, कंडक्टेंस के ऊपर पढ़े थे, तो इस पूरे 1/ के बदले मैं ये लिख सकती हूँ, बोलो क्या लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं हम लोग जी एल अपॉन ए, ये लिख सकते हैं इक्वल टू क्या आ जाएगा के। ये आपका एग्जाम्पल में भी क्या बन, आपके चार वेरिएबल्स हैं, ठीक, क्या आएगा, एक है एल, एक है ए और एक है आपका कप्पा, इसलिए देगा एक आपका टू फाइंड होगा, राइट। अगर किसी को और इच्छा है कि एक काम करते हैं इस फॉर्म में हम और कर, तो वो और मॉडिफाई कर सकता है, बट फर्दर क्या मॉडिफिकेशन होगा, तो फर्दर आप लोगों को एक बहुत सी याद वो ये कि एल क्या है, एल क्या है, एल है लेंथ, ठीक है, किस चीज की लेंथ है ये, फिलहाल ये यूजुअली हम कंडक्टर की लेते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कंडक्टर नहीं होती, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों के पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो दो इलेक्ट्रोड होता है आप लोगों का कैथोड, अब ये जो दो हैं इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एल, अगर फिजिक्स की बात चल रही होती तो वायर की लेंथ को हम एल कहते हैं, कहा जाता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ एरिया होगा, कैपिटल ए, तो बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ एक वेरिएबल है क्या, हाँ ऑब्वियसली अगर तुम ये हिला सकते हो तो डेफिनेटली वो एक वेरिएबल है, बट अगर एक सेल बन गया, मार्केट में एक सेल बनकर आ गया, तो ऑब्वियसली के अंदर इलेक्ट्रोड्स की लेंथ को फिक्स कर दिया गया होगा, तो बेसिकली एल एक वैल्यू है जो एक सेल के लिए फिक्स होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं उस इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो एरिया कैसा होगा, फिक्स होगा उस पर्टिकुलर सेल के लिए। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ ये एक तरीके से एक कांस्टेंट वैल्यू सेल के लिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं,
जैसे आप लोग पीवी इक्वल टू एन टी पढ़ते हो ना कि आर एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर गैस के लिए आर की वही वैल्यू है, वैसा कांस्टेंट नहीं बोल रही हूँ मैं। हर सेल का अपना खुद का एक कांस्टेंट, ठीक है, अपना खुद का एक कांस्टेंट, हर सेल का अपना एक खुद का कांस्टेंट, क्योंकि क्या पता किस कंपनी ने इलेक्ट्रोड की लेंथ कितनी रखी हो, क्या पता कितना रखा हो। तो जो भी है कंपनी टू कंपनी टू सही करेगा, बट हर कंपनी और हर सेल के लिए ये एल बाय ए की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। ये इसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, सेल यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल का मतलब हर के लिए एच वैल्यू आएगी ऐसा नहीं होता, हर सेल की अपनी खुद की होती है बस और कुछ नहीं। अगर किसी पूछा है इसको डिफाइन करो, क्या रेशियो बिटवीन लेंथ, किसकी लेंथ वर्सेस किसके साथ रेशियो हम लेते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं सेल कॉन्स्टेंट। और इस सेल कॉन्स्टेंट को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड इस सिंबल, ये जो सिंबल आप यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंट के लिए करोगे आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। बुक टू बुक देखो वो चीज वेरी होती है। तो लेट्स से अगर मैं देख लो हमारी बुक में ये सिंबल क्या लिखा है, उसके बाद फिर मैं लेती हूँ। देखो यहाँ तो सेल कॉन्स्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ रहा। नहीं यहाँ पे मुझे तो सेल कॉन्स्टेंट तुम्हारा कहीं नहीं दिख रहा, लिया है कि नहीं लिया है आगे जाकर, चलो मुझको तो दिख रहा, बट अब तुम चाहो तो सेल कॉन्स्टेंट को एक नए अगर वो भी चलेगा, ठीक है। बट याद रखना अपने आ चुका है, वो बोला कि एक तीसरा फॉर्मूला भी आ गया है का, वो ये, एक मिनट ये ओपन नहीं हो रहा है फोल्डर, दो मिनट रुको। तो देखो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके किस तरीके लिख सकते हो, कि एफ टू कितना जी और एल बाय ए की जगह क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। ये यानी कि अब आपके पास के पे कौन किनी कप्पा, तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन, पढ़ो, के मतलब कप्पा, कप्पा मतलब बोलो कौन, कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। जी मतलब कौन, जी मतलब सिर्फ कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आप लोगों का सेल कांस्टेंट। अगर आप कंडक्टेंस को लोगों को क्या मिल जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाती है। तो ये एक बेसिक बातचीत थी डेफिनेशंस को लेकर। अब हम लोग को टाइप की कंडक्टेंस और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस और दूसरी पढ़ेंगे कौन सी वाली, आप लोगों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बट मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को और जानकारी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हम लोग जो कंडक्टर पढ़ रहे हैं वो किसी वायर में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एक सेल के अंदर, सेल यानी कि अरेंजमेंट, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास एक दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अच्छा अब उसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, आप लोगों के एल नामक सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब ऑब्वियस है कि एक इलेक्ट्रोड को मोटा एक इलेक्ट्रोड को पतला ऐसा हम लोग नहीं लेते, ठीक है। ये दोनों का प्रोसेस होता है, हम लोग कैसा लेते हैं, सेम लेते हैं इक्वल, इनका अपना खुद का कोई एक एरिया होगा, ये बात समझते हो, इनके भी एक एरिया होगा। अब तुम ये देखो इस पूरे सेल के अंदर मैंने क्या भर के रखा है, इलेक्ट्रोलाइट भर के रखा है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर के रखा है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हमको ये मतलब है, ध्यान से सुनो, 1 मीटर की इसके पास लेंथ है, इसके पास लेंथ कितनी है, कुछ 1 मीटर की, और उसके पास एरिया जो है इलेक्ट्रोड्स का वो मान लो 1 मीटर स्क्वायर का है। अगर मैं लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करती हूँ तो लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई क्या बन जाते हैं, राइट साइड तो समझ में आ गया होगा, बट लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई होकर बन जाते हैं 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। एंड यूजुअली हम लोग सेंटीमीटर में बातचीत करते हैं, मीटर इतनी 1 मीटर लंबी थोड़ी ना किसी के पास इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम बातचीत करते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होता है, 1 ml, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml, है ना। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने तुम्हें तुरंत कैसे बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो क्या होता है,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, आप लोगों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो अब तुम्हारी लाइफ में एक नया वर्ड हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है? ये नया वर्ड आया तुम्हारी लाइफ में। अब इस वर्ड को हम समझेंगे कैसे, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। उसके लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता है। वो फॉर्मूला क्या, वो फॉर्मूला ये कि कप्पा इक्वल्स टू, ठीक है, कप्पा इक्वल्स टू जी, ठीक है, इंटू आपको बाय ए। इमेजिन इफेक्ट, लेंथ दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की कितनी कर दी जाए, 1 मीटर। लेट दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया कितना कर दिया जाए, 1। तो ऐसे केस में अगर मैं बोलूं इन दोनों वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, जी आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों का जो स्पेस है, आपका जो कंडक्टेंस है, वो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। कब इक्वल हुआ, जब आपने लेंथ को 1 सेंटीमीटर रखा और जब आप या मीटर स्क्वायर रखा, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, बराबर। अच्छा, तो बस इसी को, इसी पर्टिकुलर कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, एक प्रकार की कंडक्टेंस ही है, लेकिन ऐसी कंडक्टेंस जब हम लोग एरिया और लेंथ की वैल्यूज ये पुट करते हैं, ठीक है। या फिर इसको मैं और आसान भाषा में समझाने की अगर कोशिश करूं, तो मैं ये कह सकती हूं कि आप लोगों का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि यदि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रख दिया जाए और एरिया इलेक्ट्रोड्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया जाए, तो बेसिकली 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, या 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब होता है बिजली वॉल्यूम। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, अगर दो इलेक्ट्रोड्स का वॉल्यूम अगर मान लेते हैं आपके पास 1 ml है, पूरे कंटेनर का नहीं, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का ये वाला वॉल्यूम, एक जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस 1 ml सॉल्यूशन, इस 1 ml होगी, उसको बेसिकली हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या कैसे कह सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को, 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, सेल में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में यदि वॉल्यूम 1 ml है और उस 1 ml की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। उस 1 ml वाली कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ कर दी जाए 1 सेंटीमीटर और दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया कर दिया जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे में जो कंडक्टेंस आएगी उसको कहोगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बात वही है, तुम वॉल्यूम बराबर 1 ml कहो, ml यानी कि वही सेंटीमीटर क्यूब का हो, या फिर ये दोनों यूज करो कि एरिया इतना लेंथ इतना, या तो लेंथ और एरिया ये दो वर्ड का यूज किया जाएगा या तो वॉल्यूम अकेले का यूज किया जाएगा। और जो तीसरा तरीका होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन करने का, वो ये कि अगर ये वैल्यूज को इक्वल टू 1 रख लिया जाए तो फिर जो कंडक्टेंस निकल कर आती है उसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। अब हम लोगों को कल जो नया टॉपिक सीखना है ये रहेगा कि अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ये दो टॉपिक्स और उनके बीच के फॉर्मूले हमें डिराइव करने रहेंगे, ठीक है? अभी एक लिस्ट को वर्क करना है।